एक्सरसाइज 7.2 हमें स्टार्ट करनी है आज। नाइन्थ क्लास में मैथ्स में हमारा सातवां चैप्टर चला हुआ था, 7.1 हम कर चुके हैं, उसके बाद के कुछ नियम हम कर चुके हैं और इससे आगे आ जाती है 7.2। अब हमें 7.2 स्टार्ट करनी है। तो 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB इक्वल टू AC है, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO को जोड़िए, दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसकी फिगर हमें नहीं दे रखी, जैसे हमें बुक में बोला गया है हम उसी के अनुसार इसकी फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ABC, ये AB इक्वल टू AC इसमें आ जाता है। अब इसमें कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये कोण बी है और ये कोण सी है, इसका समद्विभाजक बना देंगे ऐसे और इसका समद्विभाजक बना देंगे ऐसे, ये ओ पर इस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये जो OB इस कोण का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के समान, और ये इस कोण का समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इस कोण के समान, ये हमें दिया गया है। AO को जोड़िए तो AO को मिला दिया गया, ठीक है, दिया है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, AO को मिलाया गया है। ये तो हमें गिवन है, बुक में दे रखा है, वहीं से हमने लिख दिया। सिद्ध करना में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, OB इक्वल टू OC AO कोण A को समद्विभाजित करता, ये भुजा इसके समान, ये कोण आपस में समान, हमें सिद्ध करना है OB इक्वल टू OC, देखो ये है OB और ये है OC, हमें ये सिद्ध करना, ये दोनों इस त्रिभुज की भुजाएं भी हैं और ये दोनों इन त्रिभुजों की भुजाएं भी, देखो इसमें है ये और ये इस त्रिभुज की भुजा भी, हम इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि ये वाली भुजा तो इसके समान हो जाएगी और ये हमारा कॉमन हो सकता है, और जब ये कॉमन हो जाएगा और ये वाला कोण तो हमें समान सिद्ध करना है और इसको भी हमें समान सिद्ध करना है, तो दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर परमाणु, रचना नहीं करनी हमें, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया। अब हमने जो पद में पढ़ी थी पिछले लेक्चर में हम उसको यूज़ करेंगे, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब AB का सामने वाला कोण C और AC का सामने वाला कोण B, कोण B इक्वल टू कोण C, क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये पद में हम लिख देंगे। सिद्ध किया था हमने इसे पहले, दोनों कोण जब इक्वल हैं तो इनके आधे आधे पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल, पूरे इक्वल हैं तो आधे आधे पार्ट भी इक्वल, 1/2 कोण B
इक्वल टू एक बटा दो गुण सी। अब हाफ ऑफ बी क्या होगा, इस बी का आधा ये भी है और ये भी है, हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, इसका हाफ हम ये ले लेते हैं, इसका इसका क्या नाम होगा, ओ बी सी, और इसका हाफ ये भी है ये भी है, हम ये ले लेते हैं जो इस त्रिभुज में आता है ओ सी, हो गया। अब ये एक त्रिभुज है ओ बी सी, इस इनको भूल जाओ ऊपर वाली फिगर को, अब सिर्फ इस त्रिभुज को देखना है, इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के समान है। अगर किसी त्रिभुज के समूह दो कोण समान है तो उनकी समूह भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इस प्रमेय का विलोम जो हमने किया था 7.2 में, तीन में जो हमने किया था, अब इसकी समूह भुजा OC और सिर्फ ये वाला कोण इसकी समूह भुजा OB, OB इक्वल टू OC, क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होगी। पहला भाग सिद्ध हो गया, दूसरा भाग हम सिद्ध करेंगे। इस त्रिभुज को ले लेते हैं और इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इसका नाम AOB, इसका नाम AOC। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, AOB और AOC में सबसे पहले AB इक्वल टू AC है, AB इस त्रिभुज की भुजा है, AC इस त्रिभुज की भुजा है, हमें दोनों कथन बुक में दिए गए हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की OB, ये OB इसकी भी थी और इसकी भी है, ऐसे ही OC इस त्रिभुज की भुजा भी है और इसकी भी है, तो इसकी OB इसके OC के इक्वल है। कहाँ से लाए हम ये हमने अभी सिद्ध किया। तीसरा कथन AO इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ही है, AO इक्वल टू AO, क्या लिखेंगे, कॉमन है ये, उभयनिष्ठ है, तो प्रतिबंध कौन सा हो जाता है, ये साइड साइड साइड, पढ़ा नहीं है ना अभी, जो हमने ये किया है ये दूसरा नियम है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसकी जगह OB इक्वल टू OC हो गया, इसकी जगह हम दूसरा नियम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये नियम हमने भी पढ़ा नहीं है, 7.3 के आगे आएगा, ये साइड 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 वाला नियम ये बाद में आएगा। देखो ये इसके समान हो गई, ये इसके समान हो गई, ये वाला कोण इसके इक्वल था, आधे आधे पार्ट इक्वल थे, आधे का ये भी है और ये भी इसका आधा है, ये इक्वल टू ये था, तो ये वाला जो है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो जैसे ये इसका हाफ था और ये इसका हाफ था, हमने किया था ना यहाँ पर ये, तो इसका हाफ हमने ये लिया था और इसका हाफ हमने ये लिया था, अब इसका हाफ ये भी है और इसका हाफ इसके साथ साथ ये भी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, यहीं पर भी सिद्ध कर सकते हैं और वहाँ भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा जाए इसको ओ बी ए ओ सी ए, ये हो गया तथा, फिर तथा आ जाएगा इधर, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, इसका नाम था ओ बी सी और इसका नाम था ओ सी बी। चाहे तो इसको दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा करने की बजाय हम एक कथन को यहीं लिख देते हैं, ये तो हमारा इसमें प्रयोग हो गया, अब ये वाला जो कथन है वो इसमें आ जाएगा, ओ बी ए ये वाला कोण इस त्रिभुज में है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ओ बी ए इक्वल टू कोण ओ सी ए, सिद्ध किया। अब ये नियम क्या बन जाता है, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ बी
सर्वांगसम त्रिभुज ए उसी। जब ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग कैसे होंगे? समान। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान होगा। इनके नाम है बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाई सी पी सी टी। देखो जब ये वाला कोण इस कोण के समान है, इसका मतलब ये लाइन इसको क्या कर रही है? समद्विभाजित। तो यहाँ लिख देंगे ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। इति सिद्ध। जैसे हमने ये वाला कथन यहाँ निकाला है, पेपर में अगर यही क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे OA इक्वल टू OA लिख सकते हो, क्योंकि तब तक हम सारे नियम पढ़ चुके होंगे। कोई खास इसमें मेंशन नहीं कर रखा कि किस नियम का प्रयोग करना है, तो फिर हम वहाँ OA इक्वल टू OA कर सकते हैं, जैसे मैंने करवाया था। अभी मैंने ये सिर्फ इसलिए चेंज करवाया क्योंकि ये नियम हमने किया नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसकी ये फिगर हमें दे नहीं रखी, हमने खुद से बनाई है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसकी हमें फिगर दे रखी है बुक में। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी इक्वल टू एसी है। त्रिभुज एबीसी में देखो एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब ये जो है इसके ऊपर लंब है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। एडी लंब बीसी है। लंब के बाद क्या लिखा हुआ है? समद्विभाजक बीसी का। बीसी का ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये लाइन बीसी को समद्विभाजित कर रही है। बीडी इक्वल टू सीडी, ये हमें दिया गया है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हमें सिद्ध करना है जिसमें एबी इक्वल टू एसी को समान सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना, तो अब हम इसमें प्रमाण सिद्ध करेंगे। इसे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान है, हमें दिया गया है, क्योंकि दोनों 90-90 हैं तो इक्वल हो गए। इस त्रिभुज की बी डी इस त्रिभुज के सी डी के इक्वल है, हमें दिया गया है। ए डी एक ऐसी भुजा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में क्या समानता है। सबसे पहले बी डी इक्वल टू सी डी है, ये हमें दिया गया है। इसका नाम ए डी बी और इसका नाम ए डी सी प्रत्येक 90 डिग्री हमें ये दे रखा है। ठीक है, बी डी इक्वल ए डी क्या है इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। ए डी इक्वल टू ए डी क्या लिखा जाएगा? उभयनिष्ठ। प्रतिबंध कौन सा हो गया? ये साइड एंगल साइड से। त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग समान, इसकी ए बी इसके ए सी के इक्वल। वाई इसका मतलब है कि ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
तीसरा क्वेश्चन है, एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी तथा एबी पर क्रमशः शीर्षलम बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलम बराबर हैं। तो दिया है, में लिखेंगे एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाओं यानी कि AB इक्वल टू AC है ये दोनों भुजाएं समान हमें दे देती हैं। इनके ऊपर शीर्ष लंब है ये BE, इसके ऊपर लंब है CF, इसके ऊपर लंब CF लंब AB, तथा BE लंब ए सी है। सिद्ध करना है कि ये शीर्षलंब समान है, एक बीई है और एक सी एफ है। बीई इक्वल टू सी एफ, ये समान करना है इसे। हमें शीर्षलंबों को समान सिद्ध करना है तो कैसे किए जा सकते हैं? अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेते हैं, ये भुजा तो कॉमन हो जाएगी और ये वाले कोण ना बना बड़ी डिग्री के हैं, लेकिन तीसरा कथन हमारे पास नहीं है। तीसरा कथन क्या ले? अगर हम इसको और इसको ले, ये कॉमन हो गया, ये कोण हो गया, अब तीसरी भुजा ये वाली है, सिर्फ ये वाली है और ये हमें समान सिद्ध करने हैं। इन कोणों के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले ए बी सी में हम लिखते हैं, हमें दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी। तो त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान। ए बी का सम्मुख कोण सी और ए सी का सम्मुख कोण बी, कोण बी इक्वल टू कोण सी, क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण बी इक्वल टू कोण सी आ गया हमारा। अब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले सकते हैं, क्योंकि अब तीसरा कथन हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया बी एफ सी। सी ई बी में इन दोनों में क्या समानता? इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री के हैं। इसका नाम बी एफ सी हो जाएगा, कोण बी एफ सी, इसका नाम सी ई बी हो जाएगा। प्रत्येक 90 डिग्री है, और 90 डिग्री भी कैसे हैं? क्योंकि ये हमें दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, तो दिया है भी लिख सकते हो और प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हो। इस त्रिभुज का ये जो कोण बी है ये इस त्रिभुज में आता है देखो, और कोण सी इस त्रिभुज में आता है, कोण बी इक्वल टू कोण सी, ये हमने अभी ये सिद्ध किया था। तीसरा कथन हम क्या ले सकते हैं? बी सी इसकी भुजा भी है और इसकी भुजा भी है, बी सी इक्वल टू सी बी। कोण भी इसका ये वाला होना चाहिए था, जब ये दोनों कोण ये वाला और ये वाला इन दोनों कोणों के समान हैं, तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये और इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये आपस में ये भी समान होंगे, ये वाला कोण इस कोण के समान। तो इस त्रिभुज में ये कोण आपस में समान और ये वाला कोण इस कोण के समान, और ये कॉमन,
तो प्रतिबंध कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड। हमने लिखे तो ये दो कोण है, लेकिन तीसरा कोण भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, जब दो कोण समान है दो त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दो कोण, जो तीसरा कोण है वो हमने लिखा नहीं, जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे एंगल साइड एंगल से। बी एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज सी ई। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो अब इस त्रिभुज की सी एफ इस त्रिभुज की बी ई के इक्वल हो जाएगी। सी एफ इक्वल टू बी ई, इति सिद्धम। ये सी एफ जो है इसमें आती है, बी ई इसमें आती है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई तथा सी एफ बराबर हैं। तो इसमें हमें दे नहीं रखा ए बी, ये इस क्वेश्चन का उल्टा है। जो क्वेश्चन तीन किया है ना, उसका उल्टा है। जो इसमें दिया गया था वो तो इसमें क्वेश्चन चार में सिद्ध करना है, जो इसमें सिद्ध करना था तीन में वो चार में दिया गया। ठीक है, तो ए बी सी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज नहीं दे रखा। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी एफ लंब ए बी है, बी ई लंब ए सी है। पहले भाग में सिद्ध करना है ए बी ई सर्वांगसम ए सी एफ। दूसरे भाग में सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ई ये वाला, ए सी एफ ये वाला, हमें इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि बस ये शीर्ष लंब है और एक त्रिभुज दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को यदि हम लें तो इनमें क्या समानताएं हो सकती हैं? इनमें क्या समानता हो सकती है? एक तो देखो, ये इस त्रिभुज का ये जब इधर 90 है तो यहाँ भी क्या होगा? 90। और जब यहाँ 90 है तो यहाँ क्या होगा? 90। अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण आता है 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण आता है, ये भी कितना है? 90 है। आपस में इक्वल हो गया। फिर ये देखो, जो कोण ए है वो इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, साथ में एक चीज़ और दे रखिए, शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। बी एफ बी ई इक्वल टू सी एफ दिया गया है ना स्टेटमेंट में। ये वाला कोण इस त्रिभुज में भी आता है, ये कोण इस त्रिभुज में भी आता है। इस त्रिभुज की ये जो भुजा, इस त्रिभुज की जो बी ई है, ये इस त्रिभुज की सी एफ के समान है, हमें ये दिया गया। तो हो जाएगा ये सर्वांगसम। हम लिखते हैं पहला भाग, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में ए बी ई की भुजा बी ई ए सी एफ की भुजा सी एफ के इक्वल है, ये हमें दिया गया। कोण ए दोनों त्रिभुजों में आता है उभयनिष्ठ। इसका कोण ये, इस कोण का नाम क्या होगा? ए ई बी, और इस कोण का नाम ए एफ सी। प्रत्येक 90 डिग्री। प्रतिबंध कौन सा हो गया? दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई। एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। हो गया पहला भाग सिद्ध। दूसरे भाग में ए बी को ए सी के समान सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, ये हमने पहले भाग में अभी अभी सिद्ध किया है।
जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं समान हो जाएंगी। ए बी की भुजा ए बी इसकी ए सी के इक्वल हो जाएगी बाय तो ये तीसरे क्वेश्चन का विलोम है, उसमें जो दिया गया था वो इसमें सिद्ध करना है, जो उसमें सिद्ध करना था वो इसमें दिया गया है। ये चार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।